नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण मित्र तकनीकी का जैविक खेती के अंदर क्या योगदान है। किसान भाइयों, जहाँ पे भी जैविक खेती की बात आती है तो पर्यावरण और प्रकृति को फायदा पहुँचाने वाले तमाम विषयों के ऊपर हम जानकारी देते रहते हैं। आज हम पर्यावरण मित्र तकनीकी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कुछ तकनीकियां हैं जिनमें कीट एवं रोग नियंत्रण का विशेष प्रभाव रहता है। आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका योगदान बहुत ही ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि जहां हम बुवाई से बाजार तक खेत आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो इस व्यवस्था में थोड़ा सा भिन्न है कि ये कुछ बाज़ार से हमें खरीदने पड़ते हैं। इसमें यह है कि फेरोमैन ट्रैप, लाइट ट्रैप, स्टिकी कार्ड और फल मक्की ट्रैप, ये चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम शुरुआत एक एक चीज़ों से करें, हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें किस तरह अपनी लागत को कम कर सकें और कितने ये फ़ायदेमंद हैं। फेरोमैन ट्रैप की जहाँ पर भी मैं बात करूँगा, ये आपके सामने लगा हुआ है, जीवंत उदाहरण ये सामने है। होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके विषय पे आपको पहले समझना होगा। फेरोमैन ट्रैप के अंदर एक ल्यूर होता है जो इसके अंदर डला हुआ है, ये काले रंग का इसके अंदर ल्यूर आपको नजर आ रहा होगा। इस पूरी माया जो है वो इसकी फेरोमैन ट्रैप के अंदर इसकी ल्यूर की है। इस ल्यूर के अंदर मादा की गंध होती है। मादा की गंध होने की वजह से नर कीट या आसपास जितने भी नर कीट जो है वो इस जाल के अंदर फंस जाते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मादा है, वस्तु तो ये इस बीच में जो जगह है इस जगह से होते हुए इसके अंदर वो फंस जाते हैं। इसके अंदर अभी निकट आके भी आपको हम दिखाएंगे कि कितने कीड़े इसके अंदर इकट्ठे हो गए। तो जो मादा की इस गंध की वजह से नर इसके अंदर पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, अभी इसमें गिनती करें तो 100-150 नर इसके अंदर आ चुके हैं। तो पहली बात तो यह है कि सारे नर को हमने इकट्ठा किया तो इसमें क्रॉसिंग नहीं होगी, मैटिंग नहीं होगी। मैटिंग नहीं होने की वजह से इनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये है कि हमने बिना किसी रसायन स्प्रे किए इसका इलाज हमने यहाँ पर कर दिया। अब आती दूसरी बात इसके अंदर कि जैसे इसके अंदर हमें 20-30 इंसेक्ट नज़र आ गए, एडल्ट नज़र आ गए, तो एडल्ट जैसे ही हमारे को नज़र आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब इसमें जैसे आज हम बात कर रहे हैं गोभी की, तो गोभी के अंदर ये डायमंड बैक मौत करके कीड़ा होता है जो गोभी को पूरा ख़त्म कर देता है। ये गोभी का सबसे भयंकर कीड़ा है। डायमंड बैक मौत का फेरोमैन ट्रैप लगाने के बाद में जैसे ही हमारे को 20-30 कीड़े नज़र इसके अंदर आ जाते हैं जो फसल में आसानी से नज़र नहीं आते हैं, तो फसल में आसानी से नज़र नहीं आते हैं, फेरोमैन ट्रैप में आपकी नज़र आ गए, इसका अर्थ यह है कि अब इस फसल के अंदर डायमंड बैक मौत इंसेक्ट का सबसे घातक प्रभाव होने वाला है। तो आप प्रिवेंटिव में बचाव उपचार की नीति के तहत इस फसल को आप बचा सकते हैं स्प्रे से। तो इधर आप स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको संकेत मिल चुका है कि आपकी इस फसल के आसपास में कहीं ना कहीं डायमंड बैक मौत फैल रहा है, और साथ साथ इस ल्यूर के माध्यम से इन कीड़ों को अपन यहाँ पर इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न फसलों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के कीड़े स्पोडोपटेरा ल्यूरा, हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, इस तरह फसल के अनुरूप फसल में होने वाले कीड़ों के लिए भी अलग अलग तरह के ट्रैप, फेरोमैन ट्रैप आते हैं जिसके अंदर वो जो ल्यूर है वो इसके अंदर डालने के बाद वो कीड़े पकड़े जाते हैं। अब बात करते हैं फेरोमैन ट्रैप के अंदर इस ल्यूर के अंदर इसकी गंध की। 20-25 दिन तक गंध होती है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, जो कोई 20 दिन बाद बदली जाती है, कोई 25 दिन बाद की। मूल्य की बात करते हैं, 50 रुपये से लगा के 100 रुपये तक ये मिल जाता है बाज़ार के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर परिवर्तन करने के बाद इसकी फेरोमैन ट्रैप की लागत को किस तरह कम करें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो ज़्यादा मूल्य नहीं है इसलिए अपन इस पर चर्चा न करें, लेकिन फिर भी किसान का मूल्य कैसे कम हो जाए
उसकी लागत कैसे कम हो। इसका विषय ये कि जब हम चाय की थैली खरीदते हैं जिसके अंदर चाय के कप आते हैं तो प्लास्टिक की ऐसी कैसी एक थैली आ जाती है। तो प्लास्टिक की थैली वो इसी लॉन्ग साइप की एक थैली लें, पानी की बोतल लें, बोतल के चारों तरफ इस तरह के छेद कर दें और इसके अंदर एक ल्यूर लटका दें तो सारा जो हमारा फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से सारे कीड़े इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तो थी बात फेरोमोन ट्रैप की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टिकी कार्ड की। स्टिकी कार्ड का अर्थ ये है कि एक जैसे ये लोहे का गत्ता है और इस गत्ते के ऊपर हमने ग्रीस, ग्लू, अरंडी का तेल या सोयाबीन का तेल हम इसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन किस पद्धति पर यह काम करता है ये हमारे को समझना पड़ता है। पीले रंग के ऊपर अक्सर कीट प्रभावित होते हैं, उसके ऊपर आकर बैठते हैं। जैसे कि सरसों के सीजन के अंदर महिलाएं, गांव की महिलाएं जब ओढ़नी ओढ़ के घूमती हैं तो सारे कीट उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो बस उसी का सिद्धांत यहाँ पर फलीभूत होता है कि ये कीड़े पीले रंग के ऊपर बैठते हैं। हमने वैसे तो बाज़ार के अंदर ये 30-40 रुपए का स्टिकी कार्ड मिलता है जिसको बाद में फेंकना पड़ता है, लेकिन उसमें एक उसकी हानि ये भी है कि उसके ऊपर कई बार लाभदायक कीड़े भी बैठ जाते हैं। लेकिन इसको कैसे बचें, इसको हम हानिकारक तक कैसे सीमित रखें, तो गांव के अंदर, गांव के तेल के पीपे के अंदर, जो घरों के अंदर तेल के पीपे होते हैं उनके 6 टुकड़े करने के बाद, जैसे ये टुकड़ा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये टुकड़ा है, इस टुकड़े के ऊपर पीला रंग हमने कर दिया और इसके बाद कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा दिया। चिपचिपा पदार्थ लगाने के बाद में ये आप देखें इसके ऊपर कितने कीड़े इसके ऊपर चिपके हुए हैं। सारे कीड़े इसके ऊपर चिपक गए। तो रस चूसने वाले अधिकतम कीड़े जो इस फसल के आसपास हैं वो इसके अंदर चिपक जाते हैं। अब क्या करना होता है कि ये जैसे एक एकड़ के अंदर हमने 10 लगा दिए, फेरोमोन ट्रैप भी ऐसे ही है। एक एकड़ में यदि हम 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो हमारा नियंत्रण हो जाता है। वैसे ये स्टिकी कार्ड की बात करूं तो ये भी 8-10 सामान्य लगा दिए तो रस चूसने वाले कीड़ों का बिना किसी रासायनिक या जैविक स्प्रे करने की किए बिना हम थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण के अंदर एक फ़ायदा हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लू स्टिकी कार्ड के बारे में। अब हम बात कर रहे थे ब्लू स्टिकी कार्ड की। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ब्लू का क्या मतलब है, येलो स्टिकी कार्ड का क्या रोल है। तो अलग अलग कीट अलग अलग रंग की तरफ प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैं जैसे थ्रिप्स है, एफिड है, ये येलो स्टिकी कार्ड की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन जहाँ पर वाइट फ्लाई की बात कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा ब्लू स्टिकी कार्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। ये फल मक्खी भी इसके अंदर बैठी है। इसके ऊपर एक नवीन प्रयोग किया हमने कि फल मक्खी का ल्यूर, जैसा ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये फल मक्खी का ल्यूर मैंने हमने यहाँ पर बाहर ही लटका दिया और साथ साथ में ये हमारा स्टिकी कार्ड भी लगा दिया। ये एक नया इनोवेशन है जिसके परिणाम ये है कि इसके ऊपर फल मक्खी भी पूरी बैठ चुकी है और इसके ऊपर जो ग्लू लगा है इसके ऊपर भिन्न भिन्न तरह के रस चूसने वाले कीट भी बैठे हैं, जिस पर वाइट फ्लाई भी एक उदाहरण है। तो ये है जो अपना जो ब्लू स्टिकी कार्ड जिसके ऊपर ये इतने सारे कीट बैठे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लाइट ट्रैप की। तो जहाँ पे भी हम लाइट ट्रैप की बात करते हैं तो जिस तरह रंगों की तरफ कीट आकर्षित होते हैं, गंध की तरफ कीट आकर्षित होते हैं, इसी अनुरूप लाइट की तरफ भी, विद्युत की तरफ भी कीट आकर्षित होते हैं। तो लाइट ट्रैप का अर्थ ये है कि लाइट की तरफ कीटों को आकर्षित करके उनको ख़त्म करना। अब इसमें ये है कि ये एक छोटा सा उदाहरण लाइट ट्रैप का हमारे सामने जुगाड़ है, ये आप देख सकते हैं। ये पानी का अपना जो तेल का पीपा है, इस तेल के पीपे को हमने क्या करा, चारों तरफ से काट दिया, ये हवादार पूरा ऐसे झोंका बना दिया आप देख रहे हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर हमने नीचे पानी भर दिया और ये बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये बल्ब लगा हुआ है आसानी से। और इस बल्ब को रात्रि में हम जैसे सूर्यास्त होता है तो हम रात्रि में इसको चालू कर देते हैं। चालू करने के बाद में नीचे पानी भरा हुआ है, केरोसिन भर देते हैं और पानी और केरोसिन भरने के बाद बल्ब चालू होने के बाद रात्रि 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक इसको चालू रखते हैं। जितने भी हानिकारक कीट हैं, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हानिकारक कीट हैं वो इस समय इस रोशनी में सबसे ज़्यादा आकर्षित होकर इस पानी के अंदर डूब जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने भी देखा है कि सारे जो हानिकारक कीट है इस पानी के अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप
हटा के फिर वापस साफ पानी और केरोसिन डाल सकते हैं। इस तरह पर्यावरण मित्र तकनीकों के माध्यम से ये स्टिकी कार्ड, फेरोमेन ट्रैप, लाइट ट्रैप, ब्लू स्टिकी कार्ड, फल मक्की ट्रैप, इन सभी के प्रयोग से हम बिना रसायन और इसके साथ साथ जैविक खेती के अंदर में भी क्वालिटी कंट्रोल की जहाँ पे भी बात आती है उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छी क्वालिटी मिलेगी और काश्तकार को मेहनत कम करनी पड़ेगी। आज कितना बेहतरीन विषय है कि आपकी इस लाइट ट्रैप में यदि कीड़े आ रहे हैं, आपने ये देखा कि कौन कौन से कीड़े आए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कीड़े आपने फसल में नहीं देख पाए वो लाइट ट्रैप में देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कीड़े भी हमारी फसल में है, तो आप इनके लिए, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर जैविक उत्पाद तैयार करके उनका नियंत्रण कर सकते हैं। वैसा ही स्टिकी कार्ड के ऊपर भी वैसा ही है। तो एक तरह से ये संकेतक का भी काम करते हैं, ये एक संकेतक का रूप भी काम कर रहे हैं कि हमारे फसल में इन इन तरह के कीड़े भी आ चुके हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है, तो आप उनका स्प्रे करके काम ले सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव में आपके लिए बेहतरीन, मतलब आप बचाव से बचाव की नीति अपनाने के लिए, जैसे बचावी उपचार की जो बात करते हैं कि हम किस तरह बचाव करें, तो बचाव ये कि यदि दो कीड़े भी इसके अंदर आ गए तो आपको जानकारी मिल गई कि अभी इसके अंदर ऐसा कीड़ा भी आने वाला है, ऐसा इस लाइट ट्रैप में दिख रहा है, ऐसा इस स्टिकी कार्ड पर दिख रहा है, ऐसा फेरोमेन ट्रैप में दिख रहा है, तो आप उसके अंदर पूर्व में ही कुछ स्प्रे कर देंगे ताकि जाके फसल के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आपने फेरोमेन ट्रैप भी देखा, लाइट ट्रैप भी देखा, स्टिकी कार्ड भी देखा, तो हमारे केंद्र पर आज किसी प्रकार के रसायन के अलावा जैविक में भी कोई तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज इस फसल का स्वास्थ्य देखें आप, ये पूरी जैविक फसल है, इन फसल का आप जैविक ये स्वास्थ्य देखें कि कितना सुदृढ़ स्वास्थ्य है, कहीं पर भी डायमंड बेक मौत का इफेक्ट नहीं है, कहीं पे भी कोई रस चूसने वाले कीड़े नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि फसल को किस तरह कम मेहनत के अंदर, कम लागत के अंदर तकनीक का योगदान लेते हुए उत्पादन को बेहतरीन कर सकते हैं, गुणवत्ता को बेहतरीन कर सकते हैं, मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को डबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शुद्ध रूप से उसका नेट प्रॉफिट जो है हम ले सकते हैं। तो ये थी जैविक खेती के अंदर पर्यावरण मित्र तकनीकों के योगदान की बात। इसके निमित्त भी आप भिन्न भिन्न कंपनियों के जो ट्रैप्स आते हैं, ल्यूर्स आते हैं, उनका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खेत पर भी इस तरह के उदाहरण बना के आप खुद अपने खेत पे लोहे के पीपे से काट के, चद्दर को काट के ट्रैप बनाएं, ल्यूर बनाएं, सॉरी ये अलग अलग लाइट ट्रैप बनाएं, तो आप अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद।